इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी बहनों, सारा कुछ कर करके तो मैं तो थक गई हाँ। मैंने सोचा एक हैक ही बना दूँ, क्यों ना लेमन आए हुए थे गाँव से, बहुत ही फ्रेश लेमन ना, तो ये थोड़े से जैसे ग्रीन ग्रीन है और येलो पार्ट है, इस लेमन से ना बहुत ही अच्छा ये ना हैक बनता है। तो मैंने कहा चलो अभी ट्राई करके वेख लीए कितने तो यूट्यूब में तरस आ ही जाएगा ना। तो बस फिर मैंने ये लेमन लिए, उनको अच्छी तरह वॉश करके ना तो मैंने ये बास्केट में डाले थे, इसको मैं अच्छी से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ना जी इनको मैं स्क्वीज करके ना तो इसका जो पानी है ना इसको मैं फ्रीज कर लूँगी, और इसके जो ऊपर से छिलके हैं ना इससे आज मैंने एक हैक बनाना है। ये हम लोग जैसे मार्केट वगैरह में जाते हैं, बहुत महंगे महंगे हैक होते हैं, जैसे लोशन वगैरह होते हैं वॉशरूम साफ़ करने के लिए, हमारे जो किचन के कैबिनेट वगैरह की जो वॉल्स होती हैं वो हो गई, शेल्फ हो गई, हमारा किचन का फ्लोर हो गया, और पुरानी से पुरानी जो गंदगी जमी होती है, चिकनाई जमी होती है, जिन घरों में ज़्यादा सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता या मेड हो तो वो खड़े होकर टपरी लगाती हैं, तो उस वजह से ना वो जो ना साइडों पे ऐसे लाइनें सी बन जाती हैं। मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी और साथ में आप लोगों के साथ इतना आसान सा तरीका शेयर करूंगी, तो आप लोग साथ साथ रहें, वीडियो को बिल्कुल छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आपके तावन से ही तो हम लोग वीडियोस बनाते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो बस ये मेरे पास हाफ के जी लेमन थे, तो उसको मैंने स्क्वीज करके ना तो इसमें 3 से 4 चम्मच या 5 टेबलस्पून आप समझ लो मैंने सर्फ डाल दिया है, और 1 लीटर जो है ना पानी डाल करना, तो उसको मैंने डिप कर देना है। तो हमने डिप इसको इतना करना है कि जैसे ना 2-3 घंटे इसको डिप करने के बाद ना हमने अपने मिक्सचर में डाल के ना इनको ना अच्छी तरह ना ग्राइंड कर देना है। अब जी लाइटिंग का इफेक्ट, वीडियो की क्वालिटी, हर चीज़ को देखकर, बैकग्राउंड हर चीज़ को देख के ही बंदा वीडियो बनाता है, तो फिर भी हम वीडियो पे व्यूज़ ना आते फिर बंदा की करे सच्ची, तुसी कोई भैन भराई मन मशवरा दे दो ना की करा। तो बस फिर मैंने कहा चलो एक हैक बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस मैंने ना इसको जब ग्राइंड किया ना 2 पोर्शन में मैंने इसको कर लिया था, तो इसके बाद इसको ना अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेना है, और इसके अंदर जो इसके जो छिलके वगैरह ना इसमें पानी डाल करना, जैसे 1/2 लीटर पानी और डाल करना, इसको अच्छी तरह हमने ना स्क्वीज करके ना इसको रेडी कर लेना है। ये मैंने आपको बताया फ्लोर के ऊपर जो पुरानी चिकनाई जमी होती है उसके लिए बहुत अच्छी है, हमारे कैबिनेट्स के ऊपर जब एग्जॉस्ट फैन वगैरह यूज़ ना करें ना तो उसके ऊपर भी ऑयलिंग सी आ जाती है, उसके लिए भी अच्छी है। मेहनत तो हर काम में ही होती है, अब ये को जी ये हम लगाएं और जादू हो ये तो साफ़ हो जाए, जाहिर है हम हाथ पाओ हाथ पल्ला मारेंगे तो कुछ हासिल होएगा ना, जैसे कपड़ा लेकर नैपकिन लेकर तो उसके साथ आप उसको अच्छी तरह रब करोगे तो उसने साफ होना है और उसने अपना काम करना है। तो बस नहीं आजकल ये कुड़ियाँ ना वैसे ही बहुत आराम प्रोतियाँ हो गई हैं, कहंदियाँ ने हर चीज़ ना हर चीज़ बनी ही मिल जाए। मेरा बेटा पास है तो हंसी जा रहा है। बस इसलिए कोशिश करें जब स्प्रे कर लें उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद ना आप ना किसी भी ना कपड़े के साथ, स्क्रोचपर के साथ, नेट के साथ, किसी के साथ भी उसको रब करके तो साफ़ कर लें। तो मेहनत करना ही कुछ हासिल होता है, तो इसलिए मेरा ये यकीन करें ये स्ट्रेनर पकड़ा हुआ है ना तो ऐसे लग रहा था इसको बस मैं छोड़ दूँ, कितना ये मुझे हैवी लग रहा था, बस बाजू में भी उन्हीं ताकत ही है आजकल दे दौड़ दे लोगों के बीच। तो बस अच्छी तरह इसको ये देखें मैंने स्क्वीज कर लिया था, अच्छी तरह निचोड़ लूँगी ताकि ना छिलकों के अंदर से अच्छी तरह से ना इसका असर निकल जाए। तो पानी बताया था ना मैंने 1/2 लीटर और डाला था, तो इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में कर लेना, एक मैंने रखना है फ्लोर के लिए सफाई के लिए, और एक जो है ना ये मैंने अपने सिंक की सफाई के लिए, और कुछ बर्तन होते हैं जो साफ़ नहीं होते और ढीठ होंगे ने जिस ना उन्हों बाज़ नहीं जोर लगा सकती बाजुओं का, तो वो फिर इसको लगा कर तो नेट के साथ साफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला साफ़ हो जाएगा। तो जाहिर है अब हम लोगों ने जो ट्राई करना है आप लोगों के साथ, अपनी YouTube फैमिली के साथ, अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ हमने वही शेयर करना है ना, तो आप लोग भी इस ना हैक को ट्राई करना और मुझे फिर फीडबैक में ज़रूर बताना। अच्छा ये जो मैंने अब बर्तनों के लिए बनाया ना इसमें मैंने ना 2 स्पून भर के ना मीठा सोडा डाल दिया है,
वैसे तो मीठा सोडा ही सिर्फ जस्ट डालते हैं, तो मैंने ना सिरका इसलिए डाला था कि जो पुरानी खुशबू वगैरह जैसे स्मेल वगैरह आ जाती है, या जैसे शेल्फ़ के ऊपर चिकनाई सी आ जाती है, जैसे हम किसी चीज़ को तड़का वगैरह लगाएं या उसके छींटे वगैरह, या पराठा बनाएं तो छींटे तो ज़रूर पड़ती हैं, ये मैंने उसके लिए बनाया। स्प्रे करें और ना आप कॉटन के साथ इसको साफ़ कर दें या टिशू के साथ साफ़ कर दें। और जो दूसरा है ना, इसमें आप ना फरनैल की गोलियां जो ना वो डाल के भी रख सकते हैं फ्लोर के लिए, जैसे कीड़े मकोड़े आते हैं, मक्खियाँ आती हैं, तो फरनैल या गोलियां मंगाइयाँ से उन्होंने दीतियाँ नहीं, वो कहते हैं कि तुम्हें खुदकुशी तो नहीं करनी तो इस वजह से ना फिर मैंने उसको वैसे ही रख लिया है। इसको सिंपल अप्लाई करके, तो चुंटियाँ वगैरह जिन घरों में बहुत आती हैं, लाल बेग वगैरह, तो उसके लिए ये करें, बहुत अच्छा है क्या, तो ये आप लोग सब मेरी बहनें ट्राई करें। तो ये देखें ना, मैंने इसके ऊपर लगा कर ना छोड़ा नहीं, तो साथ ही मैंने ना ये नेट थी उसके साथ मैंने ना इसकी क्लीनिंग कर ली है, ताकि ना ये अच्छी तरह साफ़ हो जाए और इसकी स्मेल वगैरह जो जो हमारा साबुन पड़ा रहता है उसकी स्मेल आने लग जाती है, या चिकनाई जम जाती है, साबुन के ज़रात जम जाते हैं, पानी जम जाता है। सबसे हमारे घर में पानी का इशू है, हमारा जो पानी है ना वो ज़मीनी बोर है, तो इसके ऊपर बहुत से ना ऐसे निशान पड़ जाते हैं। तो बस आए मैं सीधिया सुधिया ही मारियाँ ने आज वीडियो च, तो तुसी लोग सारे मन दसना कि मेरी वीडियो कैसी और है कैसा है, ये तैयार करके तो मुझे फीडबैक सब ज़रूर देना। और सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। तो बस ये मैंने कुचा कुची की और इसको साफ़ कर लिया। आपको मैं फ्लोर पर भी लगा के दिखा दूँ, ये देना यहाँ जो मेरा ना पुराना किचन था ना, तो इसमें ये काफ़ी मिट्टी वगैरह जमी थी और सीमेंट वगैरह भी चिपका हुआ था, इसमें थोड़ा सा मैंने डाल कर ना तो छोटे ब्रश के साथ ना इसको अच्छी तरह मैंने रब किया, तो इतनी ऊपर से मिट्टी उतरी ना और ऐसे फ्लोर साफ बिल्कुल हो गया। आप लोग भी इस रैक को ट्राई करें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।